सर केसीपी शुगर्स, इस पे क्या राय बनती है? शुगर इंडस्ट्री के अंदर पिछले 1-2 दिन के अंदर जो मूव आया, सारे शुगर सेक्टर से पार्टिसिपेट किया है इस काउंटर के अंदर, और जीएसटी को लेके जो रिडक्शन हुआ है 18% से 5% की तरफ, तो सभी रिफाइनरीज ने इसके अंदर एक पार्टिसिपेशन दिखाया है पिछले 2 दिन के अंदर। नाउ मुझे लगता है कि शुगर इंडस्ट्री का मेन प्रोडक्ट जो है वो शुगर है, ना कि इथेनॉल। तो जो ब्लेंडिंग एक्चुअली अब तक हो रही थी, उतनी ब्लेंडिंग कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंटल मूवमेंट या इंक्रीमेंटल मूव मैं उस डिमांड के अंदर नहीं देखता हूँ। तो ये जो एक्सट्रापोलेशन हुआ है, ये एक्सट्रापोलेशन किसी न्यूज के चक्कर में हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपने नीचे के लेवल पे लिया है तो प्रॉफिट बुक करें इस काउंटर के अंदर। और ओवरऑल शुगर सेक्टर के अंदर एक मूव आ चुका है और न्यूज भी रोल आउट हो चुकी है, तो शायद ये काउंटर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार बन सकते हैं। अगर आप इस काउंटर को होल्ड करना चाहते हैं तो इसके अंदर 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, 30 रुपए के स्टॉप लॉस आगे पोजीशन को होल्ड करें, अदरवाइज आप इन लेवल पे भी आप फेज वाइज में फॉरवर्ड बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो ये थी राय केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज के ऊपर।